हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे प्रकार से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का आपके सामने चार ऑप्शन है। फर्स्ट है 5 जून, सेकंड है 5 जुलाई, और थर्ड है 5 सितंबर, और फोर्थ है 5 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स, आपको जिस प्रश्न का आंसर आपको पता हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो के लास्ट में आप ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा ए होगा, 5 जून। तो फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो आपके सामने इसका चार ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ए बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था। तो आपके सामने इसका चार ऑप्शन है। फर्स्ट है शाहजहां, सेकंड है हुमायूं, और थर्ड है बाबर, और फोर्थ है जहांगीर। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होगा बी होगा, हुमायूं। तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में ये कई बार रिपीटेड हो चुके हैं कि आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा सी, एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो आपके सामने इसका चार ऑप्शन है, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा होती है 25 वर्ष होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आपके सामने चार ऑप्शन है, लंदन, एंटवर्प, रॉटरडम, हैम्बर्ग। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होगा सी होगा, रॉटरडम। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह जो है रॉटरडम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताओ फ्रेंड्स, आपके सामने चार ऑप्शन है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा सी होगा, उड़ीसा। हीराकुंड जो परियोजना है उड़ीसा राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में ये कई बार रिपीटेड हो चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, फुटबॉल, पोलो, हॉकी, बैडमिंटन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा ए, फुटबॉल। तो डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला।
तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला। तो इस प्रश्न का भी आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है उसको बताइए आप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी सीवी रमन। प्रथम भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जो है सीवी रमन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। आपके सामने चार ऑप्शन है, इसका भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखें। तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर पाए हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।